कि आज देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां बन रही हैं और बहुजन समाज के अंदर से भी बहुत सारी पार्टी बन रही हैं और उनका मिशन ये रहता है कि बसपा सुप्रीमो को हटाकर अपने फेस को ऐड करना या कोई नया चेहरा। क्या आपको लगता है इस देश के अंदर बहुजन समाज का कोई ऐसा चेहरा है जो बसपा सुप्रीमो मायावती की जगह ले सकता है? देखिए, देश में नहीं, पूरी दुनिया में अभी तक बहुजन समाज में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो बहुजन समाज की बात को उतनी ताकत से इस देश की संसद में या पूरे देश में या विदेश में रख सके, जिनके फॉलोअर हों, जिनकी बात का कोई मीनिंग हो, जिनकी बात में वजन हो। आज हमारे बहुत सारे नेता अभी भी हैं, छोटी छोटी पार्टियां, ठीक है, बड़ी पार्टियां भी हैं। आज रामदास अठावले जी हैं, ठीक है, रामविलास पासवान जी हैं, ये मेरे को लगता है कि इनको भी राजनीति करते उतना ही टाइम हो गया है, लेकिन वो एक भी बहुजन समाज की एक भी किसी तबके को या जाति विशेष को भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। आप उनके स्टेटमेंट सुनिएगा कि वो किसी ना किसी का गुणगान कर रहे होते हैं। बहन जी का स्टेटमेंट जो होता है वो बहुत क्लियर और स्पष्ट होता है, वो वही बात बोलती हैं जो समाज की होती है और पूरी ताकत से बोलती हैं, इसीलिए लोग डरते हैं, इसीलिए उनको धनकी देवी कहते हैं कि आप 85% लोग जो हैं वही उनका धन है। आप मेरा कहना मानिए कि एक बार सब लोग एक होइए और बहन जी का साथ दीजिए। बहन जी जो रिप्रेजेंटेशन आपको और हमारे को रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं वो इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं दे सकता है। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, मेरी बात पे यकीन ना करें, आप पूरा इतिहास उठा के देख लें, हमारी संसद का जितने दिन का इतिहास है 1952 से लेकर आज तक का देख लें, जितने भी लोग हमारे समाज से आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हमारे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज पार्टी की बात रख सकते हैं? अच्छा, और रखें तो कोई भी रख सकता है, लेकिन क्या रखने के बाद पे कोई गवर्नमेंट उसे अमल कर पाई है? क्या गवर्नमेंट उसको मान पाई है? क्या आप गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर पाया हमारा कोई भी नेता कि उस बात को माने? सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी है कि जिसकी लोगों ने बात माना। आज जो जितने भी स्मारक उत्तर प्रदेश में बने हैं, जितने भी स्मारक उत्तर प्रदेश में दलित समाज के महापुरुषों के बने हैं, क्या कोई और पार्टी का नेता बना पाया? वो नहीं बना पाए, क्योंकि उनका जो राजनीति है वो वोट बैंक की राजनीति है। आप इस बात को समझिए, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो एक मूवमेंट की राजनीति है, वो ये चाहती है कि बहुजन समाज में जितने भी लोग हुए हैं, जो भी समाज सुधारक हुए हैं, जो भी सामाजिक लोग हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हुए हैं, उन सब की वहाँ पे मूर्तियाँ लगाई हैं लोगों को, सिर्फ और देश को और पूरे समाज को ये बताने के लिए कि ये महापुरुष हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया, और शायद उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ तक की यात्रा करें। अगर हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे, इनके साथ रहेंगे, अगर बहन जी को सपोर्ट करेंगे 85% लोग, तो निश्चित तौर से वो दिन भी आएगा कि जो स्मारक हमारे आज हैं उससे आगे वाला स्मारक भी बनेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, देश में संविधान लागू है, आज नहीं तो कल नहीं परसों संविधान के हिसाब से चलने वाला देश बन जाएगा। एक बार बहन जी चलाएंगी तो पूरी दुनिया चलाएगी, जब सब लोग चलाएंगे तो पूरा देश में जाति और धर्म मिट जाएंगे। यही पूरा देश चाहता है, सब लोग चाहते हैं, अपर कास्ट वाले भी चाहते हैं, लोअर कास्ट वाले भी चाहते हैं, हर जाति और धर्म के लोग चाहते हैं कि जाति प्रथा बंद हो, धार्मिक बातें बंद हो, जो धार्मिक उन्माद होते हैं वो बंद हो। अगर ये होगा तो देश निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। आज हम किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और विदेशों में किस बात की लड़ाई लड़ी जा रही है, दोनों फर्क हम तभी मिटा पाएंगे जब हम बहन जी के साथ देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका फेस आगे करके, और अगर आप बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे हस्त आपने पहले भी देखे हैं, अभी भी देख सकते हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। संसद चल रही है, आप संसद में देखिए कि हमारे समाज के जितने भी चेहरे हैं, क्या वो एक भी आदमी बहुजन समाज की बात को उस तरीके से रख पा रहा है कि सामने वाली सरकार उसकी बात मानना तो दूर, सुने भी, लोग सुनने को भी तैयार नहीं है, सरकारें सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकारें चाहती नहीं कि ये काम हो, क्योंकि अगर ये काम होगा तो निश्चित तौर से बोले कोई भी, बहुजन समाज पार्टी स्ट्रांग होगी, बहुजन समाज पार्टी अगर स्ट्रांग होगी तो ये समाज स्ट्रांग होगा, ये समाज स्ट्रांग होगा तो उन लोगों को जातिगत राजनीति करने में प्रॉब्लम आएगी जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।